चतरा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल ने रश्मि प्रकाश को प्रत्याशी बनाया है। चतरा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज वो जिले के विश्व प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। साथ ही चतरा विधानसभा के मतदाताओं से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उसके लिए, और माननीय तेजस्वी यादव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस भरोसे और उम्मीद से उन्होंने मुझे टिकट दिया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी और अपने तरफ से जितना भी एक कह सकते हैं नेत्री होने के नाते, एक विधायिका होने के नाते, मुझसे जितना भी संभव प्रयास होगा अपने क्षेत्र के लिए अच्छा करने का, इस क्षेत्र के विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और अपनी कोशिश हमेशा जारी रखूंगी। कहा जा रहा है कि मैया योजना जो है उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, इसे आप किस रूप में देखते हैं और सरकार की बाकी योजनाओं को आप किस रूप में देखते हैं जो जनता तक?